Welcome to Time News Studios. You are watching 1 p.m. Bulletin. कोरोना वायरस के मुंह ॼण लाइ एहतियाती उपाव नज़रअंदाज SOPs जी भञकड़ी ते मुख़्तलिफ़ शहरनि में इंतिज़ामिया जो एक्शन। कराची में गुज़िरियल ॾींहुं शाम 6 वॻे खां पोइ खुलियल 390 दुकान ऐं तारिक रोड ते हिकु शॉपिंग मॉल सील। अॼु सुबुह 6 वॻे खुलण वारा दुकान 9 वॻे ताईं न खुली सघिया। लाहौर में ज़िले इंतिज़ामिया डिफेंस रोड, लक्ष्मी चौक समेत मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में रेस्टोरेंट्स ऐं दुकान सील करे छॾिया। पिशावर में 1300 खां वधीक दुकान ऐं मार्केट्स बंदि करायूं वयूं। मुल्क में कोरोना वायरस जी ॿी लहर शिदत इख़्तियार करे वरिती। गुज़िरियल 24 कलाकनि दौरान वधीक 59 मरीज़ दम ॾेई छॾियो, जॾहिं त 3,099 केस बि रिपोर्ट थिया। कोरोना बाबति पार्लियामानी कमेटी जो इजलास जारी। ऑपोज़िशन पार्टीज़ जे अॻवाननि शिरकत न कई। नून लीग अॻवान शाहिद खाकान अब्बासी जो चवणु आहे त क़ौमी असेंबली जो स्पीकर असद कैसर एतमाद विञाए चुको आहे। हुकूमत वटि कोरोना बाबति का पॉलिसी आहे त क़ौमी असेंबली इजलास में पेश करे। सीनियर सियासतदान ऐं फंक्शनल लीग जो अॻूणो MNA फ़क़ीर जादिम मंगरेओ लाॾाणो करे वियो। जादिम मंगरेओ कोरोना वायरस में मुबतला थियण बाद कराची जी ख़ानगी अस्पताल में दाख़िल हो, जिते हुन दम ॾिनो। जादिम मंगरेओ जो मड़ अॼु उमरकोट नियो वेंदो, जिते SOPs तहत संदसि तदफ़ीन थींदी। मलीर मां चूंडियल PP MNA याम अब्दुल करीम बि कोरोना में मुबतला, पाण खे घर में आइसोलेट करे छॾियो। अॻूणो सदर आसिफ अली ज़रदारी 88 वाटर सप्लाई रेफरेंस में हिकु ॾींहुं हाज़िरी खां छूट वारी दरख़्वास्त मंज़ूरु कराए वरिती। इस्लामाबाद जी एहतसाब अदालत में ॿुधणी दौरान नैब प्रोसिक्यूटर इरफान बोला ऐं शाहिद इमरान महमूद पेश। वकील अरशद तबरेज़ जी नैब जे शाहिद इमरान महमूद ते जरह जारी। इस्लामाबाद जी एहतसाब अदालत रेंटल पावर प्रोजेक्ट्स रेफरेंस में अॻूणे वज़ीर आज़म यूसफ़ रज़ा गिलानी जी हाज़िरी खां हिकु ॾींहुं वारी छूट जी दरख़्वास्त मंज़ूरु करे वरिती। अमरीकी सहाफ़ी डैनियल पर्ल कतल केस में जवाबदारनि जी आज़ादी वारो फ़ैसिलो मुअत्तल कयो, न त सिंध हुकूमत लाइ ॾुखियायूं वधी वेंदियूं। सुप्रीम कोर्ट में दरख़्वास्तुनि ते ॿुधणी दौरान सिंध हुकूमत जी इस्तदा। अदालत सिंध हुकूमत जी इस्तदा रद्द कंदे चयो त अपीलूं काफ़ी अरसे खां ॿुधणी हेठि आहिनि, पहिरियां कुझु नाहे थियो त हाणे बि कुझु न थींदो। सिंध हाई कोर्ट 2 अप्रैल ते सहाफ़ी डैनियल पर्ल कतल केस में जवाबदारनि जी आज़ादी जो फ़ैसिलो ॿुधायो। PP MNA खुर्शीद शाह जी आमदनी खां वधीक असासनि वारे रेफरेंस ख़िलाफ़ दरख़्वास्त ॿुधणी लाइ मंज़ूरु। सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच दरख़्वास्त 2 डिसंबर ते ॿुधणी लाइ मुक़ररु कंदे DG नैब ऐं प्रोसिक्यूटर समेत ॿियनि खे नोटिस जारी करे छॾिया। दरख़्वास्त में खुर्शीद शाह मौक़िफ़ इख़्तियारु कयो आहे त नैब ऑर्डीनेंस 1999 में सप्लीमेंट्री रेफरेंस जी गुंजाइश नाहे, पर नैब मूं ख़िलाफ़ सप्लीमेंट्री रेफरेंस दाख़िल कयो। नैब सखर खुर्शीद शाह समेत 18 ॼणनि ख़िलाफ़ 1 अरब 23 करोड़ जो रेफरेंस तयारु करे मंज़ूरी लाइ नैब चेयरमैन नाओ माणियो। PP जो सीनियर अॻवान ऐं अॻूणो वफ़ाक़ी वज़ीर चौधरी अहमद मुख़्तार लाॾाणो करे वियो। अहमद मुख़्तार ॾिघे अरसे खां बीमार हो। लाहौर जी इस्पताल में इलाज दौरान संदसि साह जी तंदु टुटी पई। PP अॻवाननि पारां चौधरी अहमद मुख़्तार जे लाॾाणे ते ॾुख जो इज़हार। कराची जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में CTD जूं कार्रवायूं। 5 मुबैना टारगेट किलर्स गिरफ़्तार। CTD मौजिबि कार्रवाई दौरान टारगेट किलर अजमल पहाड़ी जे वेझे साथी मोहम्मद अली समेत 5 जवाबदारनि खे गिरफ़्तार कयो वियो, जिन भारत मां ट्रेनिंग वरिती हुई।
कुंदरी में व्यापारी व्याज खोरन का मुबैना तंग अची आपघात कर छो। खालिद कॉलोनी में शहदेव कुमार जो घर में भाव खादल लाश मिलो। पुलिस व्यापारी जो लाश तहवील में वही जांच शुरू कर छ। लाड़काने के इलाके बाकराणी भरसा हट्टी गोठ में गुलाम शाह दरगाह था नौजवान जो फाओ खादल लाश। नौजवान जानी चन्नो जो लाश पोस्टमार्टम ला अस्पताल मुंतकिल। पुलिस तरफा लाश जो पोस्टमार्टम कराने की कोशिश। नौजवान के वारसन जो पोस्टमार्टम न कराने ला मिंथू। सिंध में रोलू ए छितन कुत्तन जो आजार बदस्तूर बरकरार। एक डी में नींगर समेत बजना डाढ़ जी जख्मी थी पया। अस्पताल में वैक्सीन अणलब। मियाँ साहब में रोलू कुत्तन 13 वरन के शागिर्द महराज सूमरों के डाढ़े जख्मी कर छो। अस्पताल में वैक्सीन न मिलने खिलाफ वारसन जो एहतजाज। नवकोट में कुत्ते डाढ़ल यूसुफ के वैक्सीन लाए कलोई मोकलो वो। नवकोट अस्पताल इंतजामिया एतराफ किया है टिन दिन का वैक्सीन मौजूद ना है। डीएचओ के खत लिखी आगाह कर छो। गंबट भरसा फैज बहरवाह के गोट पठाणों वटा 15 फुट घारो पजी वो। केतरा ही घर ए फसल पानी हेठ। इतला बावजूद आपाशी अमलदार न पौता। गोठाणा पजी मदद पान तहत घारो बधण में रुधल। पीर गोट भरसा राहुजा शाख के भी बिन हदन ता 10-10 फुटन जा घारा पवन सबब फसल पानी हेठ अची वो। सिंध में सियारे जो पेरियों वसकारो। राजधानी कराची के मुख्तलिफ इलाक में रात का वक्फे से बरसात जारी। सी बधी वो सखर लाड़काणो घोटकी दादू शहदादकोट नौशेरो फिरोज भिटशाह मीरपुर खास कोहिस्तान ए बिन इलाक में भी बरसात बाद थद में बाद। मौसमियात खाते मौजूब 26-27 नवंबर से कराची में तेज़ हवाओं घुलन सबब थद में इजाफो थो। कराची बिन शहर में वसकारे का शहर गर्म कपड़न के दुकान ना रुख कर वरत। अज सुंदर से जो रैली थे पी जो ढी मल्हा पो वे अजरक टोपी के हवाले से एकता के हवाले से उन ओस अजरक पाए टोपी पाए सिंध के गद्दार के पैगाम दींदे तो सिंध की सकाफत जिंदा है। नवा कपड़ा सुधराया ना सिंधी अजरक वी वन सिंधी टोपी वी वन खुशी है असी सकाफत जी सिंध जी सिंध वारा जी सिंध टोपी अजरक वारा जी प्रोग्राम रखो है कराची सिंध है सिंध असि जिंदा है। 7 तारीख से असि इन के भरपूर नमूने से मल्हाइंदासी। कि ये कल्चर हमारे सिंध की एक पहचान है और इस पहचान को हमें जिंदा रखना है। सिंध धरती से सारे के सारे पाकिस्तानी प्यार करते हैं चाहे वो किसी भी रंग नस्ल से हो क्रिश्चियन हो हिंदू हो मुसलमान हो हम सबको अपने सूबे से अपने सिंध से प्यार है। कराची सिंध आहे ऐ सिंध मुझी जिंदो आहे।
टाइम न्यूज़ पेंजे अखबार के सर से एकता दिहाड़ो मल्हाण जो तैयारियों जारी 6 दिसंबर से कौमी काज मल्हाण लाए जागरता तकरीबन दौरान गीतन ए रक्स से सिंध अमर के भेटा पेश सिंध के नंढन वडन शहर में कराची सिंध है सिंध जिंद है के सिर हेठ एकता जो दिहाड़ो कौमी जोश ए जज्बे से मल्हाण के अज़्म जो इज़हार मुल्तान में पुलिस मोबाइल चोरी करने वाली कोशिश नाकाम सेंट्रल जेल मोड़ वट चोर पुलिस मोबाइल काहे वनी रहे हो त टकड़ लगण सबब चार जणा जख्मी थी पया पुलिस मोबाइल बंद थण ते शहरन चोर के सोघो करे वरतो मार कुट बाद पुलिस हवाले अखि निठन शाहिदन जो चवणा है त अहलकार चाय पी रहा हुआ त चोर पुलिस मोबाइल चोरी करण जी कोशिश कई आई भारतीय सरकार चीन जी वधिक 43 मोबाइल एप्लीकेशंस ते पाबंदी लगाए छड़ी भारतीय मीडिया मौजब साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाली वजारत जो चवणा है त पाबंदी लगायल मोबाइल एप्लीकेशंस जरिए शहरन जो डेटा चोरी थी रहो हो एड़ो अमल भारत खिलाफ साजिश जो हिस्सो है भारत में टिकटॉक ऐप आई पबजी गेम सूदो हेल तई 220 मोबाइल एप्लीकेशंस ते पाबंदी लगाई हुई है अस्सलाम वालेकुम टाइम न्यूज़ सगत मैं हमीर शेख हेडलाइंस हवा डिठ तफसीली खबरों ने ब्रेक खबर